हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में पेपर 14 की यूनिट 4 में मेंशन स्मट ऑफ शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्मट ऑफ शुगर केन। स्मट जो है जनरली काजल की कालिक के लिए यूज़ किया जाता है। स्मट जो शब्द है ना, कालिक शब्द के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसी का यहाँ पे यूज़ किया गया है। स्मट ऑफ शुगर केन को गन्ने का कंड रोग भी कहा जाता है। यह शुगर केन की बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज़ है। यह रोग हर उस स्थान पर होता है जहाँ गन्ना बोया जाता है। यह वर्ल्ड में सभी जगह पाया जाता है। इंडिया में इस डिजीज़ में गन्ने की केन या बैंत भी प्रभावित होती है। गन्ने की जो निकली हुई रहती है लंबी डंडियाँ, उनको केन या बैंत हम कहते हैं, तो ये प्रभावित होता है इस तरीके से। इसकी लक्षण हम देखें, लक्षणों पे नज़र डालते हैं इसके कि क्या क्या लक्षण है इस रोग के। यह एक बहुत ही मेजर फंगल डिजीज़ है जो कि फंगस अस्टिलेगो साइटिमीनिया द्वारा होती है। वह गन्ने की ऑलमोस्ट सभी वैरायटीज को संक्रमित करती है। इन्फेक्टेड शुगर केन में जो इनकी केन से बैंत होती है वो वेरी डार्क या ब्लैक कलर की विप लाइक दिखाई देती है। विप यानी चाबुक, ये जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, चाबुक की तरह, जैसे चाबुक होता है, चाबुक की तरह मुड़ी हुई, और ये कुछ मुड़ भी जाती है, उसी तरीके से इसकी बैंत जो है वो हो जाती है। अप्रैल और मई में जब हाई टेम्परेचर होता है और वेदर भी ड्राई होता है और पानी की शॉर्टेज भी होती है, तब यह रोग अधिक होता है। शुगर केन की सेंट्रल कोर के मेरिस्टमेटिक टिश्यू से एक ब्लैक विप लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है जो कि इस डिजीज का एक मुख्य लक्षण है। यंग स्टेज में एक थिन वाइट एंड पेपरी मेम्ब्रेन्स जो है विप को कवर करती है जो कि होस्ट प्लांट की एपिडर्मिस होती है। जब यह मैच्योर हो जाती है तब लाखों ब्लैक स्पोर्स लिबरेट होकर हवा के द्वारा फैल जाती हैं। इन्फेक्शन के बाद इसका स्टूल या ठूंठ जो बचता है ना, ठूंठ वो पौधा जिसमें पत्तियां वगैरह कुछ नहीं होती, शाखाएं नहीं होती, तो इसी तरीके से जब इसकी संक्रमण होने के बाद इसकी जो पत्तियां वो हट जाती है तो ठूंठ बचा रहता है, वो ठूंठ शॉर्ट केन प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो प्रोडक्शन तो करेगा लेकिन शॉर्ट केन प्रोड्यूस करता है, और जिसकी पत्तियां कठोर होगी या कमज़ोर होगी इस तरीके से वो हो सकती है। अफेक्टेड केन्स विप प्रोड्यूस होने के बाद अक्षत विचक्ष होकर मर जाता है, यानी वो प्लांट ही ख़त्म हो जाता है। तो इस कारण से पौधों को काफ़ी नुकसान होता है और ये दुनिया के सभी जगह जहाँ पे गन्ने की खेती होती है सभी जगह ये रोग पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये रोग किससे होता है, किस प्रकार से होता है, इसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स कौन है। तो होस्ट प्लांट है इसका सैकेरम ऑफिसिनेलम, और गन्ने का जो साइंटिफिक नाम है वो सैकेरम ऑफिसिनेरम है, और इसका पैथोजन या जी इस रोग का जो रोग कारक है वो है अस्टिलेगो साइटिमीनिया। ये एक फंगस है, अस्टिलेगो साइटिमीनिया उसके द्वारा होता है। इसके जो स्पोर्स हैं वो टीलियो स्पोर्स कहलाते हैं, स्फेरिकल होते हैं, स्मूथ लाइट ब्राउन होते हैं, ये हवा द्वारा आसानी से ब्लो किए जा सकते हैं, हल्के होते हैं ये, और ये लीफ के जंक्शन में जहाँ जो दो लीफ जहाँ मिलती है, जंक्शन यानी दो या दो से अधिक लीफ कहाँ जहाँ मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ से ओरिजिनेट होती है, वहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसी जगह से ये प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से इसके नोडल रीजन की ओर आगे चले जाते हैं, इससे पूरा पौधा संक्रमित हो जाता है। और इसकी शीथ की बेस में क्या है, मॉइस्चर होती है, जो गन्ने की जो केन है
उसके शीत में नीचे चल जाए जाते हैं, तो मॉइस्चर होती है जहाँ पे टीलियोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। ये देख डायग्राम में देख सकते हैं आप, टीलियोस्पोर जर्मिनेट होते हैं एंड जो प्रोमाइसीलियम एंड स्पोरिडिया प्रोड्यूस करते हैं। प्रोमाइसीलियम माइसीलियम के पहले की जो स्ट्रक्चर है वो, और स्पोरिडिया स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरिडिया इलोंगेटेड यूनिसेल्यूलर होते हैं जो जर्मिनेट होकर हाइफे का निर्माण करते हैं। स्पोरिडिया ग्रुप में चेन लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, एक चेन जैसी स्ट्रक्चर बना करके भी रहते हैं ये ग्रुप में। तो ये इसके लक्षण हैं। अब हम देखते हैं इसकी डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल जो है इसकी, इसमें टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स दोनों बनते हैं। और आप देख सकते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन जो प्राइमरी माइसीलियम है होस्ट में बनता है, फिर डाइकैरियोटाइजेशन के बाद सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा, बाइन्यूक्लियट क्लेमाइडोस्पोर्स बनेंगे, फिर कैरियोगेमी होगी, फिर मैच्योर क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट होकर के मियोसिस के द्वारा प्रोमाइसीलियम या बेसिडियम या बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। यानी कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें टीलियोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स दोनों ही पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके कंट्रोल को, कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इस रोग की मतलब रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो उसके कुछ कुछ उपाय हैं जो कि कर सकते हैं, टेक्निकल हो या केमिकल हो, दोनों ही तरीके से। तो सबसे पहला काम तो हमको ये करना है कि जिस खेत में कोई स्मटर्ड गन्ना, यानी कि उस रोग से ग्रसित पादप गन्ना अगर कोई लगाओ, तो सबसे पहले तो उन पौधों को रिमूव करेंगे वहाँ से, फील्ड से, ताकि वो किसी और को संक्रमित नहीं करें। क्योंकि इसके जो स्पोर्स होते हैं बहुत लाइटवेट होते हैं, वो हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में आसानी से जा सकते हैं, फैल सकते हैं खेत में। तो सबसे पहले तो हम इस संक्रमित पादप को ही खेत से हटा देंगे। उसके बाद हम एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस या कृषि का एक प्रकार है रेटोनिंग या रेटोनिंग, उसको हम नहीं करेंगे। तो रेटोनिंग, व्हाट इज रेटोनिंग या रेटोनिंग, रेटोनिंग जो है एक कृषि का एक प्रकार है। उसमें क्या किया जाता है कि ज़्यादातर ये जो प्रक्रिया है रेटोनिंग वाली, गन्ने के लिए, चावल के लिए या बनाना यानी केले की लिए की जाती है, उसमें क्या किया जाता है कि जो पौधा है उसका जो धरती से ऊपर अबव ग्राउंड पार्ट है पौधे का, उसको काट के अलग कर दिया जाता है। जड़ उससे अलग नहीं करते हैं पौधे को, जड़ उसकी भूमि में ही रहती है। तो इससे क्या होता है, और जो वायवीय भाग है उसको अलग करके अलग जगह पे उगा दिया जाता है। उससे क्या है कि उनको पूरा मेहनत बच जाती है, जड़ से नहीं हटाते हैं तो अगली बार नए पौधे विकसित हो जाते हैं। लेकिन इसको हमको रेटोनिंग की प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे, जड़ सहित ही पौधे को फील्ड में से हटा दिया जाएंगे। क्योंकि अगर रेटोनिंग की प्रक्रिया में क्या होता है कि जड़ को हटाते नहीं है, जड़ नहीं हटी तो इन्फेक्शन तो पूरा अंदर तक जा चुका है, तो पौधा, अगला जो पौधा बनेगा वो भी इन्फेक्टेड ही रहेगा। तो इसलिए रेटोनिंग की प्रक्रिया इस मामले में, इस रोग में हम नहीं करेंगे। और दूसरा है कि हमको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी संक्रमित, स्मट से संक्रमित पौधे को हम प्लांटिंग नहीं करें, उसकी बोने में ना आ जाए। फिर है कि कुछ केमिकल है जैसे कि मर्क्यूरिक क्लोराइड, एगालोल, एरिटन, ये प्लांटिंग के पहले हमको, या 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड से जो उसके जो बीज है उसको, या उसकी जो गन्ने की प्लांटिंग के पहले उसको इन्फेक्शन डिसइन्फेक्शन हमको कर लेना चाहिए, ताकि पौधा रोग से फ्री रहे। कुछ फंजीसाइड्स जैसे कि वाइटावैक्स, बैनलेट, उनका ये है कि उस पे गन्ने पे उपचारित करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसमें कुछ भी जो स्पोर्स प्रेजेंट है तो वो उससे मर जाएंगे। या फिर सबसे जो कि हम करते हैं लास्ट में काम, कि कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी यानी कि रोग प्रतिरोधी किस्में हैं उन्हीं को हमको बोना चाहिए। तो कुछ है जैसे कि को 449-527-658-974-11-48-6806, ये इत्यादि कुछ वैरायटी है, इनके नाम है, कि वो फिर उनको बोना चाहिए ताकि स्वस्थ पादप का निर्माण हो सके। तो
ये तो थी स्मट ऑफ शुगर केन, जिसके बारे में आज हमने देखा कि कैसे रोग होता है, कहाँ कहाँ किस तरीके से प्रभावित करता है पौधे को और इसके रोकथाम क्या है। ओके, थैंक यू।